हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे लॉग टेबल का यूज़ कैसे करना है, कैसे आपको लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में लॉग टेबल की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसमें एंटी लॉग टेबल कैसे निकालते हैं ये दोनों टेबल मैं आज बताने वाला हूँ, दो अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ में। तो वो दोनों लेकिन वीडियो आपको एक ही दिन मिल जाएंगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लॉग टेबल कैसे यूज करें। तो लॉग टेबल बच्चों यूज करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, लॉग टेबल में साइंस कहाँ से घुस गई, इसको अभी समझते हैं कि हम साइंस कहाँ से यहाँ पर घुस गई। जब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आप साइंटिफिक नोटेशन या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें जब हम नंबर लिखते हैं तो कैसे हम नंबर लिखते हैं, तो इसको समझिए। यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी नंबर दे रखा होगा उसको आप सबसे पहले क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में कर लो। जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीका है, दो चार क्वेश्चन भी आप करके ना आपको लॉग टेबल बड़ी आराम से समझ में आ जाएगी क्या करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब भी कोई नंबर लिखा जाता है तो जो पहली डिजिट होती है डेसिमल हमेशा उसके बाद होता है। अब यहाँ पर मैंने जो नंबर्स लिखे हुए लॉग टेबल, यहाँ पर कुछ पार्ट मैंने लिखा हुआ है, सारे लिखनी तो पॉसिबल है नहीं, और मैंने सोचा स्क्रीन पर दिखाने के बजाय आपको सीधा यहाँ पर मैं बोर्ड पर ही बताऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक नंबर हम ले लेते हैं जहाँ पर लॉग टेबल हम इसमें से यूज़ करें, एक नंबर ले लेते हैं हम सीधा 1, 2, 3, 4। जब भी आपको लॉग की वैल्यू निकालनी होगी आपको जो नंबर मिलेगा चार उसके अंदर डिजिट्स होंगी, अगर उससे ज़्यादा डिजिट है तो आप उसको राउंड ऑफ करके फोर डिजिट में कन्वर्ट कर लो, सबसे पहला काम। उसके बाद का काम क्या है कि जो नंबर आपको दिया होता है उसको हमेशा आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन मतलब ये जो डेसिमल है, आप डेसिमल इस पहली डिजिट के बाद होना चाहिए, अब नंबर ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में है। तो कोई भी नंबर दे रखा हो, कैसा भी नंबर दे रखा हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, छोटा हो, कैसा भी नंबर हो, सबको आप पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। सपोज आपके पास कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं है। जब डेसिमल कहीं नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके जो लास्ट है उसमें आपको डेसिमल मिलेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 0, 0, 0 जितनी मर्जी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम डेसिमल को यहाँ से हम हटाएंगे और यहाँ से हम कितने प्लेस इधर शिफ्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्लेस हम शिफ्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1.23456789 × 10⁻¹⁸। जितने प्लेस आप डेसिमल को इधर शिफ्ट करोगे उतनी आपकी यहाँ पर पावर बन जाएगी, अब ये नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन में है। तो कोई भी नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे बना लो। अगर मान लो नंबर आपका ऐसे दे रखा हो कि 0, ठीक है, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में बन गया। अब नंबर आपको दे रखा है 0.00012 3, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करोगे। अब डेसिमल यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन डेसिमल हमें कहाँ चाहिए, हमें 1 के बाद डेसिमल चाहिए। तो 1 के बाद डेसिमल चाहिए तो क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो कितने प्लेस राइट में लेके जा रहे हो आप, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 1.23। कितने प्लेस उधर गए, 4 प्लेस गए, तो 10⁻⁴। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो, डेसिमल इधर हो, डेसिमल उधर हो, डेसिमल बीच में हो, आपको डेसिमल को उठाकर पहले प्लेस के बाद लेकर आना है। ये बन गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा साइंटिफिक नोटेशन कैसे आपको लिखना है। अब हम चलते हैं लॉग टेबल पर, लॉग वैल्यूज पर। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऐसा ही लेके चलते हैं जो साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसकी लॉग वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 1.234। जब भी आप लॉग टेबल आप यूज़ करते हो, लॉग के अंदर दो पार्ट होते हैं, जो लॉग की जो वैल्यू आती है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मेंटिसा। आपको ये दोनों चीज इसमें लिखनी होती है लॉग वैल्यू के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, मेंटिसा लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पहले समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको किसी भी नंबर को आपको उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, तो उसमें जो 10 की पावर आती है वही कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं। कैरेक्टरिस्टिक जो 10 की पावर आती है वही कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये नंबर तो भाई ऑलरेडी 10 की पावर में उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁰, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बना,
तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर दें, कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग देख लेना भाई। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आ गई ज़ीरो। अगर यही नंबर इस तरह दिया होता 12.34, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में लाना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल इधर आएगा, तो डेसिमल इधर आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.234। और 10 की पावर कितनी होगी, 10 की पावर आ गई 1, क्योंकि आपने एक प्लेस डेसिमल इधर शिफ्ट किया है, कैरेक्टरिस्टिक बन गया इसका 1। ठीक है, अगर डेसिमल आपका, अभी मैं सारे पॉजिटिव वाले केस ले रहा हूँ, नेगेटिव वाले बाद में समझेंगे। अगर यहाँ पर आपको लास्ट में दे रखा होता, ऐसे ही दे रखा 1, 2, 3, 4, तो डेसिमल आप कहाँ पर लाओगे, लास्ट में से यहाँ पर ला रहे हो, तीन प्लेस इधर ला रहे हो, तो 1.234 इंटू में 10^3, तो कैरेक्टरिस्टिक बन गया आपका 3। तो कैरेक्टरिस्टिक क्लियर, कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आओ, जो भी आपको 10 की पावर मिलती है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम मेंटिसा का यूज़ करेंगे। ये सारा जो है ये मेंटिसा है, लॉग टेबल से जो आप निकालोगे वो क्या है, मेंटिसा है। कैसे निकालना है मेंटिसा, मेंटिसा आपको देखना है कि यहाँ पर कैसे भी नंबर आपको दे रखा हो, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन गया तो आपको नंबर को देखना है, इसको देखना है। 10 की पावर वावर का काम जो है, कैरेक्टरिस्टिक का काम क्या आएगा बाद में बताता हूँ, आपको नंबर को देखना है। एक है 1, 2, 3, 4, पहली दो डिजिट पहले यूज़ करो, डेसिमल को अब छोड़ दो, साइड में करो, डेसिमल को यूज़ नहीं करना अब हमें। यहाँ पर पहले दो डिजिट क्या है, 12 हो गया, तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला कॉलम है, यहाँ पर देखो आपके पास 12 क्या आ रहा है, तो 12 ये आ गया आपके पास। उसके बाद अगली डिजिट क्या है, 3, तो 12 के सामने 3 पर देखो वैल्यू क्या आ रही है, 0899, ये वाली वैल्यू आ रही है 0899। उसके बाद अगर आपके पास एक और डिजिट आ गए हैं, तो इसको देखते हैं हम मीन डिफरेंस में। ये वाला जो कॉलम होता है ये होता है मीन डिफरेंस का, आपकी जो लॉग टेबल होगी ना उसमें लिखा होगा मीन डिफरेंस। तो ये चौथी वाली जो डिजिट होती है 4, इसको आप यहाँ पर देखो 4 इधर है, और इधर से 12 वाले कॉलम में जाएंगे, 4 के सामने क्या वैल्यू है, 4 के सामने वैल्यू है आपकी 14, ये वाली वैल्यू है। 14 को कर दो आप इसमें प्लस, कितना आया, 9 + 4 = 13, 9, 10, 11 और 9, 0, तो आपकी वैल्यू आ गई 0913। ये क्या आ गया आपके पास, मेंटिसा आ गया। अब चाहे वैल्यू आप ये निकाल रहे हो, चाहे इसकी निकाल रहे हो, चाहे इसकी निकाल रहे हो, मेंटिसा सबका यही रहेगा, क्योंकि मेंटिसा तो आपको इसी के हिसाब से देखना है, 12, 3, 4, 12, 3, 4, 12, 3, 4। तो मेंटिसा क्या आया आपके पास, मेंटिसा आ गया आपके पास 0913। चलो अब आगे समझते हैं, अब आपको वैल्यू कैसे लिखनी है। ये वाली जो आपके पास टर्म थी 1.234, इसकी वैल्यू क्या आ गई, मेंटिसा क्या था, 0913, तो आपने लिखा 0.0913। इसकी वैल्यू निकालोगे, इसमें भी आएगा 0.0913, इसकी वैल्यू निकालोगे 0.0913। मेंटिसा सबका सेम रहेगा, तो क्या सबकी वैल्यू सेम रहेगी, नहीं नहीं बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक किस काम आएगा, कैरेक्टरिस्टिक अब आपके काम आएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक 0 था यहाँ 0 लगा दो, जब कैरेक्टरिस्टिक 1 है आगे 1 लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो आगे 3 लिख दो, ये इसकी वैल्यू आ गई। यानी log 1.234 इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी, और log 12.34 इसकी वैल्यू ये है, log 1234 इसकी वैल्यू ये है। तो बच्चों जब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक था तो हमने लॉग टेबल निकालनी सीख ली, लॉग वैल्यू निकालनी सीख ली, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेसिमल आपको स्टार्टिंग में दे रखा हो और आपको उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए डेसिमल को आपको इस साइड शिफ्ट करना हो। जैसे आपको मान लो ये केस दे रखे हैं, यहाँ पर डेसिमल इधर है, अब अगर यहाँ पर इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखोगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा आपका, 1, 2, 3, 4, 4 प्लेस के बाद जाएगा, तो इसको आप लिखोगे ऐसे 1.234 इंटू में 10^-4। अब यहाँ पर आप लिखोगे 1, 2, 3, यहाँ 3 प्लेस है तो 1.234 × 10^-3। यहाँ पर आप लिखोगे तो डेसिमल एक प्लेस इधर गया तो 1.234 × 10^-1। तो जैसे हमने उसमें समझा था जब पॉजिटिव 10 की पावर आ रही थी, तो सेम तरीका रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर -4 आ गई, इधर -3 आ गई, इधर -1 आ गई, तो कैरेक्टरिस्टिक लिख दी हमने इसकी -4, -3, -1। लेकिन जब लॉग वैल्यू लिखी जाती है ना, तो उसमें माइनस का यूज़ नहीं करते हैं ये, तो इस माइनस को हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ना लिख के
हम इसको ऐसे लिखते हैं, 4 के ऊपर बार लगा देते हैं और यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा देंगे, यहाँ पर 1 के ऊपर बार लगा देंगे। मेंटिसा हमने देखा था भाई, मेंटिसा हमारा क्या आया था, मेंटिसा आया था हमारे पास 0913, सभी का सेम रहेगा जैसे हमने पीछे किया था, क्योंकि वैल्यू तो आपको इसी की निकालनी है टेबल से। कैरेक्टरिस्टिक बस आपको ये बताएगा कि आगे आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या बनी आपकी, 4 बार वैल्यू क्या बनेगी, 4 के ऊपर लगाओ बार जो कैरेक्टरिस्टिक है, 0.0913। यहाँ पर क्या है, 3 के ऊपर बार 0 भी आएगा, 0.0913। यहाँ पर 1 बार है तो 1 के ऊपर बार 0.0913। तो वैल्यू सबकी वही आएगी क्योंकि मेंटिसा तो आपका वही रहेगा, तो बाद वाली वैल्यू सबकी वही रहेगी, जो आगे वाली वैल्यू है वो डिफर करेगी किसकी वजह से, कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। जितना आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा उतनी ही वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है। माइनस में आएगा तो बार लगा देना है, पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज़ लिखना है। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। यानी जो पूरा लॉग टेबल का अगर मैं एक रिव्यू का उसका रिविज़न कर दूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखोगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, जो 10 की पावर आएगी, उस नंबर को लिखना है आपको आगे। और जिसकी आप लॉग टेबल से वैल्यू निकालोगे, जो मेंटिसा आएगा, डेसिमल लगाओ, मेंटिसा लिखो, आपकी लॉग वैल्यू तैयार। तो आई थिंक अब लॉग वैल्यू निकालने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे एंटी लॉग वैल्यू की, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको एंटी लॉग टेबल का आपको यूज़ कैसे करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।